नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पेट की अकड़न तथा खिंचाव को कैसे दूर करें। जब पेट लंबे समय के लिए ठीक नहीं रहता है तब होता क्या है कि पेट में ना पेट पूरा अकड़ा सा रहता है और इसके भीतर ना एक टेंशन सी बनी रहती है, खिंचाव सा बना रहता है। ठीक है, जो लोग फ़िलहाल इसको झेल रहे होंगे वो बहुत बाकायदा इसको समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसी चीज़ को कैसे ठीक करें आज जो है हम उस पर बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति का यदि पेट अच्छे से साफ नहीं होगा और उसकी गैस रेडिएट करेगी, घूमती रहेगी, ठीक है, और एसिड बनेगा, तो ये परिस्थिति बन ही जाती है पेट में, ओबियसली। ठीक है, पेट में पूरा खिंचाव रहेगा, तनाव रहेगा, ठीक है ना, टेंशन रहेगी पेट में और अकड़ा रहेगा, एकदम मतलब जकड़ा सा रहेगा। ठीक है, आप रिलैक्स नहीं महसूस करेंगे इस पूरे एरिया में, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, ये आप जान लीजिए। तो इसको कैसे दूर करना है, देखिए ये तो आप समझ ही गए हैं कि इसका बेसिक कारण क्या है। बेसिक कारण जो भी मैंने बोला, कब्जी है, ठीक है, उसको हमें साफ़ करना पड़ेगा, पेट को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप सबको भली भांति पता है कि एनीमा करना है और आपको जो है ग्रीन जूसेज लेना है, फ्रूट्स खाना है, सलाद खाना है और रात को मिलेट्स लेना है। इससे कब्जी दूर हो जाएगी, ठीक है, गैस और एसिडिटी के लिए भी सेम ही है। लेकिन बात केवल इतने से नहीं बनेगी। मेरी अपनी बात याद है कि जब मैंने डाइट को शुरू किया था तो तकरीबन 1.5-2 महीने बाद भी ये समस्या थी, ठीक है ना, पेट में अकड़न रहना और खिंचाव रहना। इसके लिए मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की डाइट की, ठीक है, अपना दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि ये भला कैसे जा सकता है, ये जो अकड़न है, इसमें खिंचाव है, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, ये कैसे दूर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि अगर इसे रिलैक्स कर दिया जाए, पूरी तरह से इसको आराम दे दिया जाए, तो ये आराम से रिलैक्स करेगा, ठीक है ना, इसको पचाने का काम और ना इसको करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। असल में बेसिकली ये थक गया है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, इतने सालों की मार या महीनों की मार झेल झेल के थक गया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, भोजन ठूसे जा रहे थे, खाए ही जा रहे थे, ऐसे ही ना हम खाते हैं। आप हर व्यक्ति देख ले जो बीमार है, वो मतलब घड़ी देख के खाता रहेगा, 3 टाइम भोजन लेगा ही लेगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि आप एक टाइम स्किप भी कर दे तो भी बात बनने वाला नहीं है, आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी भी आप पकाया हुआ भोजन ले रहे हैं और पकाए हुए भोजन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे एक बार स्किप कर दें, चाहे 2 बार स्किप कर दें अपना भोजन, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, ये जान लीजिए आप। फिर भी हम 2-3 बार खाते हैं। होता क्या है, जब डाइजेस्टिव ट्रैक वीक हो जाता है तो पिछला खाना ही अभी पचा रहा होता है कि हम अगला भोजन डाल देते हैं, क्योंकि हम अपनी पुरानी आदतों से खा रहे हैं और हमें लगता है कि अभी भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक उतना ही स्ट्रॉन्ग है और जैसे पहले वो 4-5 घंटों में पचा देता था, पचा के स्टमक से नीचे चला जाता था, वैसे ही आज भी होगा। लेकिन हकीकत दोस्तों ये होती नहीं है, अभी पिछला ही खाना 12-12, 13-13 घंटे में वो पचा रहा है और हम नेक्स्ट डाल देते हैं। तो ये हो जाता है ओवरबर्डन, कि पहला वाला इस बेचारे ने काम किया नहीं है और इसको अभी रेस्ट भी नहीं मिला है और आपने दूसरा डाल दिया। तो इस तरह से इतना ये एक्सेसिव काम कर करके ये पूरा थक के पस्त हो जाता है बेचारा, और मैंने यही चीज़ किया, इसको एकदम से आराम ही दे दिया। आराम कैसे दिया, सिर्फ लिक्विड डाइट पे आ गए। लॉकडाउन के दौरान की बात है, जब पहली बार लगा था
मार्च अप्रैल आपको पता ही है, 20 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 5 फरवरी से मैंने डाइट शुरू किया था। तो लॉकडाउन के दौरान की बात है, ठीक है ना, आखिरी मार्च और अप्रैल की बात है, अप्रैल में किया था मैंने ये लॉकडाउन, जब लगा था उसके 10-12-15 दिन बाद मैंने क्या किया, ग्रीन जूस तो मैं लेता ही था, ठीक है, सुबह सुबह जो भी है पपीता, सॉरी उसका ग्रीन जूस क्या कहते हैं अपना, पालक टमाटर का या फिर करेले का ग्रीन जूस, इनमें से लेता था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कोई एक लेता था। और पूरा दिन मैंने तरबूजा खरबूजा ही खाया, कोई सॉलिड फ्रूट नहीं। और तरबूजा खरबूजा में तो आपको पता ही है क्या है, सिर्फ पानी है, इसको कुछ नहीं करना पड़ा। पूरा दिन आराम करता था, एकदम रिलैक्स, इसको पूरा दिन कोई काम ही नहीं, क्योंकि मैं खाता ही तरबूज खरबूज था, तो तरबूज खरबूज को क्या पचाना, पानी ही तो है उसमें। इस तरह से लगातार जब मैंने 8-10 दिन किया तो इसको क्या हुआ कि एकदम आराम मिल गया, एकदम रिलैक्स। और मैं देख रहा हूँ कि इस जो अकड़न है और जो वो स्ट्रेस था, टेंशन था, ठीक है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। और ये टेंशन आप मान के चलिए पिछले 2 वर्षों से मैं झेल रहा था। और मैं जिस दौरान प्रॉब्लम्स में था, समस्याओं में था, उस दौरान मैं सोचा करता था ये साला रिलैक्स कब होगा ये, क्योंकि पुराने दिन याद आते हैं ना, जब एकदम बढ़िया मस्त रिलैक्स होता है हुआ करता था, है ना, पुराने दिन याद आते हैं कि नहीं, सबको याद आते तो अब जो है दोस्तों, मेरा वो जो स्ट्रेस था, अकड़न थी, वो पूरी तरह से जा चुकी थी। तो इस तरह से मैंने पेट की अकड़न को दोस्तों गायब किया, आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस डाइट के बाद एक छोटी सी समस्या आ गई थी, ठीक है ना, वो मैंने कभी कई बार डिस्कस किया है, खैर उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हमने समझा कि पेट की अकड़न और जो इसमें स्ट्रेस है, खिंचाव है, उसको कैसे दूर करें। बाकी सारी चीज़ें जो है दोस्तों, जो गलत भोजन है वो तो आपको पता ही है, वो कम्प्लीटली बंद करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।